केंद्र सरकार द्वारा आज से एक साल पहले आज के ही दिन नोटबंदी का फैसला लिया गया था, जिसके चलते आज एक साल पूरा होने पर कांग्रेस द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर रोष जाहिर किया गया और भाजपा की नीतियों को जमकर कोसा गया। इस बारे में जानकारी देते हुए गुरदासपुर से सांसद सुनील जाखड़ ने कहा कि आज के दिन पिछले साल भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी का फैसला लिया गया था, जिसके चलते 2 महीनों तक लोगों को लाइनों में खड़ा रहना पड़ा था और इस दौरान लाइनों में खड़े करीब 150 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने कहा कि आज नोटबंदी को लेकर भाजपा की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है, जबकि देश आर्थिक तौर पर पीछे चला गया है। सुखपाल पर खैरा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि खैरा को सम्मन राज्य सरकार ने नहीं बल्कि अदालत की तरफ से जारी किए गए हैं। हिमाचल चुनावों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल चुनावों में लोकल मुद्दे नहीं बल्कि नेशनल मुद्दे हावी रहे हैं। जनता ने भाजपा को गुरदासपुर चुनावों के दौरान बता दिया है कि भाजपा की नीतियां जनविरोधी। बीजेपी शर्म करनी चाहिए है, थोड़ा बहुत जेडी नैतिकता की गल अज जेटली साहब कर रहे हैं विद दिस वाज ए मॉरल एंड एथिकल डिसीजन। मैं पूछना चाहना कितने की नैतिकता बीजेपी की, 150 तो ज्यादा लोगों ने गरीब लोगों ने लाइना च खड़े होकर अपनी जान गवाई है, घट्टो घट उन्हों कनी भी झूठे सच्चे कोई ना कोई दो आंसू सिट देंगे तो उन्होंने शायद इस दिल से कोई मलम लगती। सब तो वड्डा है भी उन्होंने लोगों की जी कुर्बानी है वह व्यर्थ गई, क्योंकि ना तो काला धन फड़िया गया ना नकली नोटा का काम बंद होया, घुसपैठ का पाकिस्तान तो तुम देख रखे भी पिछले इस साल के अंदर किन्नी घुसपैठ की घटनावां आईयां, रोज साडे फौजी जेडे जवान बॉर्डर के उत्ते शहीद हो रहे हैं। ए करके आए कि टोटली जिस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इट वाज ए सिस्टमैटिक लूट ऑर्गेनाइज लूट जी सरकार ने लोगों के धन के उत्ते जिहड़ा चोरी की है ओहदा खामियाजा इन्हां नूं भुगतना पौगा आने वाले समय के अंदर। ते मेरी इको ही बेनती है प्रधानमंत्री जी नूं भी जश्न मनाना छड्डो, अपनी गलती नूं स्वीकार करो ते देश दे लोकां तों इस गल दी माफी मंगो ते इह जे कदम चुको ताकि इस दा जिहड़ा नुकसान है उहनूं कम कीता जा सके। खैरा साहब बड़े सुलझे इंसान है, खुद शायद वकील हैगे, पर वकीलां अगर नहीं भी है तां वी वकीलां तों ज्यादा उहनां नूं कानून दा पता है। आ जिहड़े समन आए है सरकार ने नहीं भेजे, कोर्ट ने भेजी है, कोर्ट दी अवमानना अगर इस किस्म दी कोई गल कहिंदे, कोर्ट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस, कोर्ट दे उत्ते सरकार दा कोई भी किसी किस्म दा दबाव नहीं हो सकदा। सीएम साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सीगा कि पंजाब नूं हो सकदा कि टारगेट कीता जा रहा होवे, 4 बंदे भी फड़े हैगे पिछे जिहड़े हमले ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ISI ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਇਸ BJP ਦੇ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਵਲ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਦਿਵਿਆ ਪੰਜਾਬ TV।